गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, हम इसमें पावर पॉइंट स्टडी पढ़ेंगे डेली करंट रोज की तरह। ठीक है, इसका बेस्ट टाइमिंग है 10 बजे। मेरा नाम है शशांक कश्यप। आज है 3 जनवरी और हम पढ़ेंगे दो दो जनवरी की। क्या पढ़ेंगे? डेली करंट अफेयर। ठीक है, कितनी? 2 जनवरी की डेली करंट अफेयर। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे इन मार्क सेट 6FT, सॉरी 6F1। ये क्या है? ये एक उपग्रह है। ठीक है, ये एक उपग्रह है जिसको इन मार्क सेट 6F1। ठीक है, ये क्या है? उपग्रह है। इसको किसने भेजा है? इसको भेजा है H2A रॉकेट से। H2A रॉकेट से किसके द्वारा भेजा है? जैसे 22 दिसंबर को किसके? जापान के द्वारा भेजा है। किसके? जापान। जापान देश के द्वारा यह भेजा गया। और किस अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया? अंतरिक्ष केंद्र। उस अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तनी गाशीमा। ये कि जापान में स्थित है। क्या हुआ? इन मार्क सेट 6F1, ठीक है, H2A रॉकेट के द्वारा जापान के अंतरिक्ष केंद्र तानगे गाशीमा से भेजा गया है। ठीक है, इस आई 6 उपग्रह पहले से काम कर रहे, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य I6 उपग्रह जो कि पहले से काम कर रहा है, ठीक है, उससे जाकर इसको जुड़ना है। किसको जुड़ना है? इन मार्क सेट 6F1 को जुड़ना है किसी I6 उपग्रह जो कि पहले से एक्टिव है। I6 कौन कौन से हैं जी? इलारा और ग्लोबल एक्सप्रेस। ग्लोबल एक्सप्रेस नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क है, सॉरी। क्या है? इन मार्क सेट 6F1 जो कि H2A रॉकेट के द्वारा जापान के तने गाशिमा से प्रक्षेपित किया गया, उसका उद्देश्य है I6 उपग्रह। मतलब इसका नाम क्या है? I6 उपग्रह। ठीक है, इसको एलिरा और ग्लोबल एक्सप्रेस नेटवर्क से जाके जुड़ना है। ठीक है, इसका संलग्न होना है, मतलब कि ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे। मतलब ज्वाइन का मतलब एक तरीके से संगलित हो जाएंगे, एक तरह से जुड़ के अपना वर्क करेंगे। जो भी इसमें कमियाँ होंगी उसको I6 उपग्रह से पूरा किया जाएगा। ठीक है, और इसमें H2A जापान का क्या है? जापान का प्राथमिक माध्यम लिफ्ट लॉन्चर है। ठीक है, ये क्या है? F2A क्या है? इसमें जापान का क्या है? लिफ्ट लॉन्चर है। ठीक है, और इसको कब कब भेजा गया? F2A को कब भेजा गया? इस F2A को, ठीक है, इसको जापान के हाया भूसा 2 क्षुद्र ग्रह विथ रिटर्न 2014 में इसको भेजा गया था। रिटर्न सर्टिफिकेट थी सैंपल क्षुद्र ग्रह सैंपल रिटर्न, सॉरी सैंपल सैंपल रिटर्न उपग्रह 2014 में भेजा। ठीक है, और कब भेजा इसको? इसको UAE द्वारा, संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा, इसको होप मास्क
ऑर्बिट 2020 में भी भेजा गया है, ठीक है। इन दोनों तरीकों से इसको भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है? इसको स्पेस में भेजा गया, इसकी टेस्टिंग की गई एक तरीके से और इसको भेजा गया है, ठीक है। ये जापान द्वारा निर्मित है, ठीक है। ये जापान का पर्सनली एक तरीके से। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, इससे आपको करंट अफेयर और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में मिलेगी, ठीक है। और आपको एक तरीके से अभी लूसेंट की भी करंट लूसेंट भी स्टार्ट हो गई है शाम को, अब इसका कंटेंट भी बहुत बढ़िया मिलेगा आपको, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है। क्या हुआ? पीएम मोदी द्वारा ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय को खोला जा रहा है, ठीक है। वो खोला जा रहा है मतलब इसकी आधारशिला रख दी है। किसकी? इसकी आधारशिला, आधारशिला रख दी गई है। और कहाँ रख दी गई इसकी आधारशिला? मेरठ में रख दी गई है इसकी आधारशिला, मेरठ के सरधाना कस्बे और मेरठ के सलवा कैरी सलवा कैली गांव में। विश्वविद्यालय छोटी चीज़ नहीं होती, विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज़ है। इसके इसके मेरठ के सरधाना कस्बे और सलवा कैली कैली गांव में इसकी क्या रख दी है? आधारशिला रख दी गई है, ठीक है। ठीक है, इसकी आधारशिला रख दी गई है। इसकी क्या है लागत? इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत है 700 करोड़ रुपये। किसकी? इस विश्वविद्यालय की लागत कितनी है? 700 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इसमें पुरुष महिला पुरुष और महिला कितनी रहेंगी इसमें? इसमें पुरुषों की संख्या कितनी रहेगी? 500। इसमें 540 महिला और 540 पुरुष रहेंगे, मतलब कि दोनों का टोटल इसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें 1080 इससे 1080 खिलाड़ियों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित। प्रशिक्षण देंगे, दिया जाएगा। ठीक है, इसकी अभी मोदी ने क्या रख दी? आधारशिला रख दी इसकी कितने? 700 करोड़ रुपए में, मेरठ के सरधना कस्बे में और सलवा कैली गांव में इसकी क्या रख दी है? आधारशिला रख दी है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड भी मोदी ने डिसाइड कर दिया है, ठीक है, जिसके अगर टाइम पीरियड के अंदर इस चीज़ को बना के सौंपना है, ठीक है। इसकी टाइम पीरियड भी रख दी है, ठीक है। संजय कुमार ने, किसने? संजय कुमार, यह कौन है? संजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह। इन्होंने क्या है? संजय कुमार सिंह न्यू दिल्ली के क्या है? इस्पात मंत्री, इस्पात
मंत्रालय के न्यू सचिव हैं। किसके? इस्पात मंत्रालय के नए सचिव, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव हैं। ठीक है, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव हैं और वह और ये अभी और मतलब सचिव बना दिए इनको नया सदस्य न्यू दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है ये? न्यू दिल्ली में इस्पात मंत्रालय और नए सचिव। ठीक है, संजय कुमार सिंह। ठीक है, ये कि बन गए। अभी ये क्या करते थे? अभी ये प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। लोक शिकायत विभाग के पद पर क्या थे ये? अभी आसीन थे, मतलब अभी आसीन क्या थे? अभी भी आसीन है। ये इनका क्या है? एक तरीके से प्रतिभार, अतिरिक्त भार, अतिरिक्त भार सौंपा गया इनको। ठीक है, ये अभी पद पर है, इस पद पर सम्मिलित भी इस पद पर है। किसके? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के क्या है ये? सचिव हैं अभी। ठीक है, इन्होंने इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में इन्होंने अतिरिक्त भार, इससे पहले इस्पात मंत्रालय के पुराने पुराने सचिव कौन से थे? इस्पात मंत्रालय के पुराने सचिव। ठीक है, इसके पुराने सचिव कौन से थे? किसके? इस्पात मंत्रालय के पुराने सचिव कौन थे? पी के त्रिपाठी। पी के त्रिपाठी ये इसके पुराने सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, क्या हुआ? फ्रांस ने, फ्रांस अब ये छठवां ऐसा देश बन गया है जो 10 मिलियन कोविड संक्रमित लोगों की रिपोर्ट दी है। किसने? फ्रांस ने अपने यहाँ से 10 मिलियन कोविड संक्रमण की रिपोर्ट दी है। यह दुनिया का सबसे दुनिया में यह छठवां देश बन गया है। कौन सा? यह दुनिया में छठवां छठवां देश बन गया है जिसने अपने यहाँ से कोविड संक्रमण की 10 मिलियन से अधिक लोगों की रिपोर्ट दी है कि इनके इनके यहाँ 10 मिलियन लोगों को क्या हो गया? कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। ठीक है, इसमें अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये इनका क्रम है। ठीक है, किसमें? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, ये सही से नहीं लिखा, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ये क्या है? एक तरीके से इनके क्रमबद्ध तरीके हैं। पहले अमेरिका में सबसे पहले खबर दी, फिर भारत ने, फिर ब्राज़ील ने, फिर ब्रिटेन ने, रूस ने, फिर फ्रांस ने। इसमें 10 मिलियन से अधिक लोगों के ज़्यादा संक्रमित होने की रिपोर्ट इन देशों ने दी है। इसमें 10 मिलियन से अधिक लोगों को क्या हो गया? कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। ठीक है, इसमें फ्रांस अपने 11 साल की उम्र तक के सभी युवक सभी लोगों के 11 साल की उम्र तक के सभी लोगों को क्या कर दिया है? मतलब 11 साल तक की, मतलब 11 साल से जो ऊपर होंगे उन सबको मास्क क्या कर दिया है कि आपको मास्क लगाना है, नहीं तो आप पेनल्टी में आ जाओगे। मतलब एक तरीके से वो क्या करेंगे, उस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। अगर मास्क लगा के आप नहीं निकले तो आप कोरोना के फैलाने के उसमें आपको कुछ भी जुर्माना रख सकते हैं ये लोग। ठीक है,
इसलिए उन्हें 11 साल की उम्र से सभी लोगों को मास्क के तौर पर क्या कर दिया है कि आप मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और मास्क लगाकर ही रहें, ठीक है। एक तरीके से फ्रांस ने अपने यहाँ ये के एक तरीके से बता दिया है सभी लोगों को। भारत, अमेरिका प्लस खाड़ी देश, ये सारी खाड़ी क्षेत्रों में क्या हुआ, भारत अमेरिका और खाड़ी क्षेत्रों में 200 से अधिक, कितने 200 से अधिक, 200 से अधिक हिंदू तीर्थ यात्रियों ने एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी की भीड़ द्वारा क्या हुआ, हिंदू तीर्थयात्रियों ने क्या हुआ, हिंदू तीर्थ यात्रियों ने क्या मतलब हिंदू तीर्थ यात्री 200 से अधिक हिंदू तीर्थ यात्रियों क्या हुआ, भारत अमेरिका खाड़ी देशों में 200 से अधिक जो कि हिंदू मंदिर हैं और तीर्थ हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनको हिंदू तीर्थ यात्रियों जो घूमने जाते थे उसके लिए एक कट्टरपंथी क्या हुआ, एक कट्टरपंथी मुस्लिम पार्टी ने क्या किया, मुस्लिम पार्टी की भीड़ ने इन मंदिरों को तोड़ दिया, ठीक है। इन मंदिरों को ध्वस्त करके करने के बाद मतलब इन 200 से अधिक मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद एक साल बाद इन्होंने क्या किया, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में, कहाँ पे, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में 100 साल पुराने क्या किया, 100 साल पुराने महाराजा परमहंस के मंदिर पर जाकर उन्होंने क्या की, प्रार्थना की। मतलब इन्होंने अपने एक तरीके से पहले इन्होंने जुर्म किया, मतलब 200 से अधिक मंदिरों को उन्होंने हिंदू तीर्थों को क्या किया, तोड़ा एक कट्टरपंथी मुसलमान पार्टी की भीड़ ने, ठीक है। फिर इन्होंने उत्तर एक साल बाद फिर इन्होंने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में 100 साल पुराने एक महाराजा परमहंस के मंदिर पर जाकर इन्होंने क्या की, मंदिर पर जाकर इन्होंने प्रार्थना की, ठीक है, प्रार्थना की, ठीक है। और इस मंदिर को भी इन्होंने 2020 में गुस्साई भीड़ ने तोड़ दिया था, भीड़ ने तोड़ा था ये मंदिर प्लस समाधि भी है। एक तरीके से इन्होंने क्या किया, एक साल बाद मतलब एक तरीके से इन्होंने माफ़ी मांगी, ठीक है। इन्होंने पहले 2020 में इस मंदिर को गुस्साई भीड़ों ने, गुस्सा की भीड़ ने इन्होंने मंदिर और उसकी समाधि को तोड़ दिया था, ठीक है। और ये किसकी भीड़ है, ये है महाराजा परमहंस की, ठीक है। इन्होंने इनको क्या मतलब कोई भी सजा दी होगी, ऐसे थोड़ी ना कोई करेगा कुछ भी, ठीक है ना। तभी इन्होंने माफ़ी मांगी। इनका 1919 में क्या हुआ था, तेरी गाँव जो कि पाकिस्तान में स्थित है, कौन सा, तेरी गांव में महाराज परम हंस की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उनकी समाधि वहीं पे बना दी, इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी समाधि को कहा यहीं पे बना दिया गया, ठीक है। जिसके बाद लोग इनको पूजने लगे और एक तरीके से इनकी मन्नतें पूरी होने लगी। इस चक्कर में इन्होंने इसको समाधि के बाद इन्होंने मंदिर बनाया, फिर इसको तोड़ दिया गया। फिर जिन लोगों ने इसको तोड़ा, एक कट्टरपंथी मुस्लिम पार्टी ने, उसी के उन्हीं के लोगों ने 100 साल पुराने इस मंदिर के तोड़ने के बाद इन लोगों ने फिर उसको माफ़ी मांगी,
तोड़ने के एक साल बाद उसी मंदिर पर जाके इन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने से क्या होता है, तोड़ तो दिया ही है। तभी कहते कि ज़्यादा उड़ो नहीं, गिरोगे नीचे किसी न किसी के ऊपर से। ठीक है, दुनिया में दुनिया का पहला किसने, दुनिया का पहला डुअल क्या है, दुनिया का पहला डुअल मॉडर्न मोड वाहन दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान के दुनिया का पहला डुअल मॉडर्न वाहन जापान के कायो शहर के जमीन पर उतारा गया। जापान के कायो शहर की जमीन पर उतारा गया। यह वाहन रेल पटरियों पर भी दौड़ सकता है। ठीक है, इसकी क्या खासियत है, यह रेल पटरी पर भी दौड़ सकता है, रेल पटरियों पर। ठीक है, इसकी रेल पटरियों पर 60 किलोमीटर पर घंटा और सड़क पर 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से यह दौड़ सकता है। मतलब एक तरीके से यह जब रेल पटरी पर चलेगा तो यह स्टील के पहिए मतलब एक तरीके से पटरियां, हाँ पहिए, ठीक है, और सड़क पर के लिए रबड़ का यूज करेगा। ठीक है, चलता है। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, एक और रह गया लास्ट पॉइंट। किया हुआ अनुकृति उपाध्याय द्वारा, किसके, अनुकृति उपाध्याय द्वारा क्या हुआ, प्रशंसक उपन्यास क्रिंग सुंगी के लिए क्या किया, बेस्ट ऑफ द फ्रिक्शन, कौन सा बेस्ट ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मूवी की मूवी तो देखी होंगी, जिसमें मतलब एक तरीके से साइफाई मूवियों को भी फ्रिक्शन मूवियाँ कहते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ द फ्रिक्शन मूवी का क्या दिया, मूवी के पुरस्कार से किसको, सुशीला देवी को क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया किसको, सुशीला देवी को यह पुरस्कार दिया गया, बेस्ट ऑफ द फ्रिक्शन। इनके प्रशंसित उपन्यास किंग सुगी के लिए बेस्ट ऑफ द फ्रिक्शन सुशीला देवी को पुरस्कृत किया गया। और इन्होंने कौन सा, 2021 का, ठीक है, ये पिछले साल 2020 में, यह 2020 में किसको दिया गया था, नर्मिता
गोखले, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? थैंक्स ऑफ बिहाइंड, थैंक्स ऑफ बिहाइंड, ठीक है, 2019 में। सुंभंगी स्वरूप, लेटिट्यूड्स, लेटिट्यूड्स ऑफ लैंगन, ठीक है। और 2018 में अवनी जोशी, ठीक है, एक तरीके से सभी तरह से इनको वुमेन को ही मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। इनको कौन सा दिया गया? गर्ल इन वाइट, गर्ल इन वाइट कार्टन, ठीक है, ये इस पे पुरस्कार दिए गए। 2020 में नम्रता गोखले को थैंक्स ऑफ बिहाइंड, ठीक है, और 2019 में शुभांगी स्वरूप को दिया गया लेटिट्यूड्स ऑफ द लैंगन, लॉन्गंग्स, लॉन्गंग्स, ठीक है, मतलब जो भी हो देख लेना। 2018 में अवंती जोशी को गर्ल गर्ल इन द वाइट कार्टन, मतलब एक तरीके से ये पुरस्कार अलग अलग सभी तरह से महिलाओं को दिए गए, किसके ये देगा, वो 2021 में किसको दिया गया, बेस्ट ऑफ द फ्रिक्शन, सुशीला देवी को पुरस्कार दिया गया, किसकी, उनके उपन्यास के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़ें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।